श्याम वेलकम बैक टू माय चैनल हनीबी व्लॉग्स। तो आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा जिसमें हम लोग गए थे लोहागढ़ में और वहाँ पे हमने सूर्य कुंड में स्नान किया था, उसके बाद मंदिरों के दर्शन करे। तो जब हम सूर्य मंदिर गए तो वहाँ पे दीदी को बातों में पता चला कि वो रामानुजन संप्रदाय की वहाँ पे पीठ है, उसी मंदिर से जुड़ी हुई, और दीदी के ससुराल वालों ने रामानु संप्रदाय से ही दीक्षा ली हुई है, तो उनके लिए और भी ज़्यादा थोड़ा सा महत्व बढ़ गया था। और महाराज को पता चला तो उन्होंने अपने जो पीठाधीश है उनसे मिलवाया हमें, तो ये हम लोग वही पीठाधीश महाराज से मिल रहे हैं जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ही हमें वहाँ लोहागढ़ के तीर्थ का महात्म जो सुनाया, उनके वहाँ की कथा सुनाई, वहाँ की पौराणिक बातें बताई, और हमारा जो समाज है खंडेलवाल समाज वो भी वहीं से उत्पन्न हुआ, तो ये सारी बातें उन्होंने ही हमें यहाँ पे बताई थी। उसके बाद उन्होंने हमें प्रसाद दिया, उनसे मिलजुल के हम लोग वहाँ से निकले। तो यहाँ पे लोहागढ़ का अचार फेमस है, बहुत सारी अचार की दुकानें हैं, मतलब इतना आपको खिलौनों की वैसे कुछ दुकानें नहीं दिखेंगी लेकिन अचार की दुकानें बहुत ज़्यादा है। तो हमने भी यहाँ से दो तीन तरह के अचार लिए थे। फिर भूख सबको लगी हुई थी क्योंकि सुबह जल्दी निकले थे, उसने कुछ खा पी के निकले नहीं, तो सोचा थोड़ा खाना पीना कर लेते। यहाँ पे भोजन व्यवस्था कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ आपको कचौरी समोसा कुछ मिल सकता है, बाकी भोजन व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। तो हमने वही खाया, बस कचौरी समोसे के प्लेट खाए। यहाँ से खाने पीने के बाद यहाँ पे जहाँ हम लोग बैठे थे वहीं सामने था मालकेतु जी भगवान का मंदिर है पहाड़ी के ऊपर, तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो हम वो देखने जाते। तो हम लोग चल रहे हैं ये ऊपर की तरफ, पहाड़ी पे चढ़ेंगे, बंदर भी बहुत है। और ये जगह इतनी सुंदर थी, अगर बारिश हुई भी होती तो चारों तरफ इतनी हरियाली होती तो मतलब पूरा हिल स्टेशन वाला फील आता, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई हुई है तो थोड़ा सूखा लग रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा सूखा था, पहाड़ सारे सूखे हुए क्योंकि ये राजस्थान है भाई, शिमला मनाली तो है नहीं कि पूरे टाइम हरे भरे रहे, सूखा हुआ था। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो शायद बहुत शानदार जगह लगती है देखने में। यहाँ चल रहा है हम लोग का फोटो सेशन, सीढ़ियाँ बहुत ही शायद 250-300 350 के अबाउट सीढ़ियाँ, तो हम लोग पूरा चढ़ के ऊपर गए। मंदिर कोई नया नहीं बना हुआ है, पुराना मंदिर है, लेकिन भगवान मालकेतु जी का है, ऊपर लक्ष्मण जी का मंदिर है, ऐसे करके तीन चार देवता के मंदिर है, तो हमने सबके दर्शन करे। नीचे भी तो देख लो, बार बार क्या पूछा मैंने, वो क्या मेरी मधुमक्खी अगर कोई थरकन शो मर गया किनका गान की दीदी हेलो प्राप्ति हो गई ये मालकी जी महाराज के, और नीचे जो सरोवर बना है हेलो उसमें जो पानी आ रहा है वो स्नान करने यानी इसकी प्रतिष्ठा हो गई है। और जितने भी मंदिर यहाँ पे हर घर में अंदर में मतलब 150 मंदिर बोल सकते हैं, उनमें हर में प्रति घर मंदिर एक सेम टू सेम। अच्छा, और हाँ एक बात तो मैं बताना ही भूल गई कि हम लोग बच्चों को साथ लेके ऊपर नहीं गए थे क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो लेके जाना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि हम लोग की सांस फूल रही थी चढ़ते चढ़ते, तो बच्चों को लेके चढ़ना तो और ही मुश्किल हो जाता, बच्चे चढ़ भी नहीं पाते। तो भैया ने बोला था मतलब मेरे देवर ने कि मैं नीचे रह लेता हूँ बच्चों को लेके, तो भैया और तीनों बच्चे सब नीचे बैठे हुए थे जिस रेस्टोरेंट में बैठ के हमने चाय कचौरी समोसा कुछ खाया था, और हम लोग सब गए थे ऊपर दर्शन करने के लिए, भैया नीचे बच्चों के साथ थे, और नीचे बंदर तो वैसे भी वहाँ पर बहुत सारे हैं तो बंदरों के साथ बच्चों ने खेल लिया, उनको खिलाते हुए इनको बिस्किट खिला रहे थे, तो बच्चों ने इनके साथ खेला और भैया इनका वीडियो बना रहे थे, तो मैंने वीडियो बना लिया। तो मैंने सोचा चलो मैं क्लिप शेयर कर देती हूँ कि जब हम लोग ऊपर गए दर्शन के लिए, मीनवाइज पीछे से बच्चों ने क्या किया तो वो आप सब देख लो। ठीक है जा हाथ में जाके आओ सुधांश को, ऐसे नहीं फेंको, लोहागढ़ से निकल के हम लोग गए थे जीर्ण माता के यहाँ, जीर्ण माता में दर्शन किए, उसके बाद गए थे खाटू श्याम हर्ष पर्वत जाने का प्लान था, फिर नहीं गए क्योंकि गर्मी बहुत थी, पहाड़ भी फिलहाल सब सूखे हैं, तो फिर हम सोचे इससे अच्छा टाइम बचेगा तो हम लोग चले जाएंगे सालासर, तो हम लोग फिर चले गए थे सालासर बालाजी के यहाँ। तो ये था मेरा लोहागढ़ तक के ब्लॉग, दो ब्लॉग हो गए, अगर पहला नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, और ये था दूसरा। तो ब्लॉग कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।